हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मेश यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं जो वीडियो के नीचे स्क्रोल करता रहता है। आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, वो आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा, जो आप नीचे मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं। सो सिंपल है, सीधा चलते हैं पहले सॉफ्टवेयर में जो ओपन है ऑलरेडी, आप ओपन कर लीजिएगा। देन हम यहाँ चलते हैं मीडिया जनरेटर्स में, ये ऑप्शन है, किसी और ऑप्शन में तो मीडिया जनरेटर्स में आ जाइए। अगर ये नहीं दिखा रहा तो आप व्यू में आइए, विंडो में आइए और मीडिया जनरेटर्स पर क्लिक कर दीजिए, ये टैब आ जाएगा यहाँ पे। देन हम चलते हैं टाइटल्स एंड टेक्स्ट में, सैम्पल टेक्स्ट है सबसे पहला, इसको ड्रैग कर लीजिए, जो इसमें लिखना है वो लिख लीजिए। लाइक मैं सैम्पल के लिए टाइप करता हूँ, ओके। अगर ये कट जाता है तो यहाँ से मीडिया जनरेटर दोबारा खोल सकते हैं, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मेश यूट्यूब चैनल। डन, ये टेक्स्ट लिखा हमने और मैं इसका साइज रखता हूँ 12, ओके। मैं इसके पॉइंटर को टेक्स्ट पे ले आता हूँ जिससे मैं टेक्स्ट का प्रीव्यू हो सके जो आ रहा है यहाँ पे। परफेक्ट, ये रहा। मैं इसको करता हूँ 12 से और छोटा 10, ठीक है, यूट्यूब चैनल। या मैं इसको 12 ही रख, 12 ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया इसके साथ। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट, उसके बाद करिए, अदरवाइज़ वो नहीं होता। हल्का सा यहाँ से छोटा करता हूँ मैं, डन। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ ये पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए, इससे कहीं बाहर ना निकले कोई सा भी टेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल, ये हमने लिख लिया, जितना लिखना आप लिख सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको अब हम क्लोज करते हैं, क्लोज्ड। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है पेन क्रॉप में जाना। चलिए पेन क्रॉप में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसकी एनिमेशन बनानी है कि ये राइट से लेफ्ट में हो। आप अपोजिट करेंगे तो लेफ्ट से राइट में होगा, जैसा भी आप चाहें। मैं आपको करके दिखाऊंगा राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे ये मैंने ऑप्शंस बंद कर रखे हैं, मैं भी ऑन कर लेता हूँ इन दोनों को। आप अकॉर्डिंग टू माई सेटिंग्स इनको देख सकते हैं, सेम कर लीजिएगा सिमिलर। यहाँ पे ये की फ्रेम्स हैं और ये फ्रेम है, सिंपल ये फ्रेम है। हम इसको जैसा मूव करें वहाँ वो वैसा होगा, और हम की फ्रेम्स को जहाँ जहाँ क्रिएट करेंगे ये उस हिसाब से मूव करेगा, ऐसे की फ्रेम्स वर्क करते हैं, सिंपल। तो चलिए, जो सबसे पहला की फ्रेम है हम इसको इधर ड्रैग करते हैं लेफ्ट की साइड, तो ये राइट में जाएगा और ये पूरा जब तक टेक्स्ट बाहर हो जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंटर है ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के ये सारे मैच हो। तो मैं कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट कीस से भी कर सकता हूँ, ये मैं अभी उन्हें यूज़ कर रहा हूँ। परफेक्ट, ये मेरा पूरा अलाइन हो चुका है इन लाइंस के साथ। ये हमारा पहला फ्रेम था, हम इसको आगे ले चलते हैं। हमारा जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर हम आगे लेके आए क्योंकि एक ही जगह पे दो फ्रेम नहीं बनाने, तो हम दूसरी जगह पे बनाते हैं इसके अपोजिट। यानी कि हमने इस बार लेफ्ट पे बनाया, अब हम बनाते हैं राइट पे, राइट के एंड पे बिल्कुल। तो ये राइट का एंड है, परफेक्ट। इसको मैं कीबोर्ड से अप डाउन और राइट लेफ्ट से मैंने मैनेज कर लिया। तो ये एक बना चुका है पूरा, ये देखिए। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, ओके। ये मैं वहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे जो कर्सर है एक ही जगह पे है, हमारा पॉइंटर जो भी गए। तो मैं अगर इसको क्लोज करूँ, अब प्ले करूँ, सो हम देख सकते हैं टेक्स्ट आया, लेकिन ये अभी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो वापस चलते हैं उसमें। अब हमें करना क्या है, हमने ये वीडियो के बीच में इतने पॉइंट में हमने ये पूरी ट्रांजिशन बना दी, या जो भी एनिमेशन है वो हमने क्रिएट कर दिया की फ्रेम से। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये दोनों सेलेक्ट हो रखें। मैं पहले ब्लैंक जगह पे क्लिक कर देता हूँ, इसको वापस वहीं शुरुआती पॉइंट पे और इसको एंड पॉइंट पे ले चलता हूँ। अभी क्या होगा कि हमने इसे इन्हें लंबा कर दिया, जो हमारी एनिमेशन है उसे। अब प्ले करता हूँ, अब काफ़ी बेटर है लेकिन ये भी फास्ट है। थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, मैं वापस चलता हूँ और मैं इसे, अब मैंने क्लिप लंबी कर दी, अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो क्लिप के एंड तक हो गया। तो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट। बहुत स्लोली आ रहा है और आई थिंक ये आपके लिए परफेक्ट होगा। फास्ट करना चाहें फास्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब हमें क्या चाहिए, इसके पीछे एक रेक्टेंगल बना हो, जो लंबा सा रेक्टेंगल होता है आप देखे होंगे, क्योंकि टेक्स्ट ठीक से हाईलाइट नहीं होता अदरवाइज। प्रोफेशनल थोड़ा दिखाना है तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो हमें
वीडियो के ऊपर और टेक्स्ट के नीचे रखना है उसे। तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट वीडियो ट्रैक करता हूँ। खाली जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वीडियो ट्रैक आएगा, तो ये वीडियो लेयर के खाली जगह पे क्लिक कीजिएगा, सिंपल। और ये फाइल है एक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप ड्रैग करोगे तो इसमें सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। ये मैंने फोटोशॉप से बना दिया था आपके लिए, जिससे आपको ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट बनाने में इतनी दिक्कत हुई ना। ये देखिए पूरा बना हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है, मुझे भी लग रहा है एक्चुअली, है ही पतला, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया कि अगर आपका टेक्स्ट पतला हो तो उसमें भी ये फिट हो जाए, मोटा हो तो भी फिट हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो ये मोटा हो जाएगा, सिंपल। वेट, इसमें हमने यहाँ पे सेलेक्शंस गलत किए हुए, कंट्रोल जेड प्रेस किया मैंने, तो ये सेलेक्शंस ऑन कर लेते हैं। अब जूम करते हैं हम इसे हल्का सा, और मैं जूम करता हूँ इसको, माउस के अप डाउन और राइट लेफ्ट, अप डाउन से कर सकते हैं आप, राइट लेफ्ट की इसमें नीड नहीं है। देन ये मेरे को बहुत बेटर लग रहा है। तो ये सिंपल था बिल्कुल, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने बना के रखा हुआ आपके लिए ऑलरेडी। ये हमने फिर इसमें हल्का सा फेड दिया, कुछ नहीं करना, फेड चालू, हमारा रेक्टेंगल बना हुआ, ओपेसिटी भी मैंने ऑलरेडी सेट करी हुई है उसकी, ट्रांसपेरेंट भी रहेगा वो और आपके टेक्स्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, सिंपल। स्क्रोलिंग टेक्स्ट डन है। आप बेसिक वीडियो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सोनी विगस के और भी ट्यूटोरियल्स हैं, नीचे प्लेलिस्ट दे दिए मैंने, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए, सिर्फ एडिटिंग रिलेटेड ही नहीं, काफ़ी चीज़ों को लेकर वीडियोज़ हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, मेरे चैनल का सपोर्ट भी होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपने अपना पूरा कीमती समय दिया और उस कीमती समय में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।